इस आसमान के विशाल विस्तार के नीचे एक अशुभ विशाल काय खगोलीय पिंड न्यूयॉर्क शहर को अपना निशाना बनाकर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर का दृश्य नहीं है, बल्कि एक भयावह वास्तविकता है जो मानव इतिहास को पूरी तरह नेस्तनाबूत कर सकती है। कुछ ही दिनों में एक क्षुद्र ग्रह जो अब तक हमारे द्वारा सामना किए गए किसी भी चीज से बड़ा और अधिक विनाशकारी है, अमेरिका का दृश्य माने जाने वाले शहर न्यूयॉर्क से टकराने वाला है। और यहां की कभी न सोने वाली सड़कें इस ब्रह्मांडीय आपदा का तमाशा देखने वाली है। वैज्ञानिक हाथ पांव मार रहे हैं, नेता रणनीति बना रहे हैं और हर न्यूयॉर्क वासी अपनी सांस थामे हुए हैं। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हम इस तबाही को रोकने के लिए किए गए असाधारण प्रयासों और संभावित परिणामों की चर्चा में जुटे हैं। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, क्या ये हमारी धरती के लिए सबसे खतरनाक समय होने जा रहा है और क्या इस शाम की कोई सुबह भी होगी? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम न्यूयॉर्क शहर की ओर जाने वाले क्षुद्र ग्रह की रहस्यपूर्ण और रोमांचक गाथा को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं। और आज रात कोई भी एस्टेरॉयड न्यूयॉर्क की तरफ नहीं आ रहा है और ये शो ऐसे ही एक इवेंट के सिमुलेशन पर बेस्ड है। हम एक ऐसे ही सिमुलेशन एस्टेरॉयड की तैयारी कर रहे हैं ताकि बुरे हालात के समय हम खुद को तैयार रख सके। वो आ रहा है। वो वही है, वो कॉमेट, वो दिख रहा है अभी, देखो वो दिख रहा है, देखो। न्यूयॉर्क की ये सुनसान सड़कें आज किसी बड़े आपदा का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कुछ ही पल में एक विशाल का एस्ट्रॉइड इस शहर के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा और इसकी सतह के टक्कर के साथ हर तरफ बस तबाही मच जाएगी। इसके वायुमंडल में प्रवेश करते ही हमें सूर्य की तरह और भी चमकदार चीज दिखाई देगी। इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि राइफल से निकलने वाली बुलेट के स्पीड से 18 गुना अधिक तेज होगी। ये एस्ट्रॉइड अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर की तरफ बढ़ रहा है और टक्कर के साथ ये 1000 हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अधिक ऊर्जा डिलीवर करेगा। ये चंद सेकेंडों में ही दुनिया की विशाल इमारतों को खाख में मिला देगा और सेंट्रल पार्क वाली जगह पर एक विशाल सा गड्ढा बन जाएगा। मुझे इस बारे में सोच के ही डर लगता है। वाकई ये हालत काफी डरावने होंगे। पर आज जो ये आपदा न्यूयॉर्क शहर पर मंडरा रही है और धरतीवासी इसे लड़ने की तैयारी में है, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आज से तकरीबन 7 साल पहले एरिजोना में हुई थी, जब कैटालिना स्काई सर्वे से एस्ट्रोनॉमर ग्रेग लियोनार्ड ने इस एस्ट्रॉइड के धरती के तरफ आने की पुष्टि की थी। हम पृथ्वी की सुरक्षा के मद्देनजर आसमान पर नजर रखते हैं और पृथ्वी की तरफ आने वाली किसी एस्ट्रॉइड के खिलाफ हम पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। और मैं प्लैनेटरी डिफेंस शब्द पर जोर देना चाहूंगा। इससे किसी एक देश का फायदा नहीं होता, ये फायदा पूरे विश्व और पूरे ग्रह को होता है। और जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि ये एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़ रहा है, तो फिर इसको लेकर कई प्रोटोकॉल्स को ऑन करने की बारी भी अब जल्द ही आने वाली है, जिसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल के रूप में एक एक्सपर्ट टीम का गठन होना था जो एस्ट्रॉइड से जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा करे।
आहा, हमें एक जगह तारों के पॉइंट ट्रैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वाला आसमान में काफी तेजी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक आ सकता है। इस टीम का पहला काम उस एस्टेरॉयड की ऑर्बिट का पता लगाना था और ये अश्योर करना था कि कहीं इसकी ऑर्बिट हमारी धरती की ऑर्बिट को क्रॉस तो नहीं करने जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा था तो ये बेहद चिंता का विषय हो सकता था। और उन्होंने इसे पूरे 4 महीने तक ऑब्जर्व किया और फाइनली इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि अगले 7 साल बाद इसकी ऑर्बिट हमारे पृथ्वी को क्रॉस करेगी और इसका धरती के साथ भीषण टक्कर होगा। पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे एपेप कहकर बुलाया। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के काफी नजदीक नजर आ रहा है, पर हम अभी तक इसकी दूरी का पता नहीं लगा पाए हैं। पर इसके मोशन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धरती से काफी पास में है। बाहर अपने गार्डन में जाइए, अपनी छतों पर जाइए, सड़क पे जा सकते हैं और ऊपर आसमान में देखिए। तारा जो थोड़ा धुंधला सा है और उसके पीछे एक लंबी लाइन बन रही है, वो कॉमेट की पूंछ है। ये सच है, वो आ रहा है। कोई आपको कुछ और बताएगा तो वो झूठ है। लुक अप इनटू द स्काई। यानी कि पृथ्वी पर विनाश का समय मात्र 7 वर्ष दूर था, पर ये पिंड कितनी तबाही ला सकता था। इससे होने वाले नुकसान को जानने के लिए इसकी भौतिक आकृति और आकार को जानना बेहद जरूरी था, और जनवरी 2023 में वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगा ही लिया। इस एस्ट्रॉइड की चौड़ाई 1800 फीट थी और लंबाई 5 फुटबॉल फील्ड के बराबर थी। हमने दुनिया की सुरक्षा के लिए कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट, कुछ सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स और कुछ सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर्स की मदद ली। अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को भुलाया ताकि मानव जाति का अस्तित्व बचाया जा सके। और जब इस आधार पर पृथ्वी से इस एस्ट्रॉइड की टक्कर की कंप्यूटर सिमुलेशन की फुटेज साइंटिस्ट के हाथ लगी तो वो हक्के बक्के रह गए। इतनी भयानक तबाही शायद ही पृथ्वी पर पिछले 4-5 सदी में घटित हुई होगी। और सिमुलेशन को बनाने के लिए इस एस्ट्रॉइड के कंपोनेंट्स और स्पीड की जानकारी भी जरूरी थी। एस्ट्रॉइड के अलग अलग प्रकार में मेटल एस्ट्रॉइड को सबसे विनाशकारी माना जाता है। खुशी की बात यह थी कि एपेप एक मेटल एस्ट्रॉइड नहीं था। एक मेटल एस्ट्रॉइड एक कम डेंसिटी वाले एस्ट्रॉइड से 5 टाइम्स अधिक डेंस हो सकता है, तो सेम ऑर्बिट होने के और सेम स्पीड में होने के बावजूद टक्कर के बाद उनसे ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एरिजोना में स्थित बारिंजर क्रेटर, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। अगर ये एपेप के मेटल एस्टेरॉयड की तरह होता तो ये एक कॉस्मिक बुलेट की तरह धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ आ जाता और अचानक किसी शहर में गिरकर ये भारी मात्रा में लोगों की जान ले लेता। पर सुकून की बात ये है कि ये एस्टेरॉयड्स खतरनाक तो होते हैं पर काफी दुर्लभ भी होते हैं। और जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर लगातार अपनी नजर बनाए रखी तो उन्हें इसके असल प्रकार का पता लगा। एपेप एक सी टाइप रॉकी कॉन्ड्राइट एस्ट्रॉइड था, जो कि डेंसिटी में एक मेटालिक एस्ट्रॉइड से काफी कम होता है। अगर कोई बड़ा सी टाइप एस्ट्रॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में आए तो इसकी काफी हद तक ये संभावना होती है कि ये धरती की सतह तक पहुंच जाए, और जरूरी नहीं है कि ये एटमॉस्फेयर में ही जल के खाक हो जाए। और इसके पृथ्वी के साथ टक्कर के दुष्परिणाम की जानकारी के लिए अभी एक और जानकारी मिलनी बाकी थी, काइनेटिक एनर्जी। यही वो घटक था जिसे मिलाकर एस्ट्रॉइड की धरती के साथ टक्कर से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता था। और फाइनली वैज्ञानिकों ने ये गणना की, एपेप जिसका वजन 123 मिलियन टन और जो 40,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है, उसका टकराव धरती के साथ कितनी ऊर्जा साझा करेगा, और इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एस्ट्रॉइड की चौड़ाई 1800 फीट है, इसका वजन 11 करोड़ 20 लाख टन है और ये 64,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है, तो इसमें एनर्जी लगभग 10 से 19,000 जूल होगी। इस भीषण टक्कर से न सिर्फ यूएस
बल्कि पूरी धरती प्रभावित होने वाली थी। इससे पूरी दुनिया पर असर नजर आएगा और हमें इससे होने वाली तबाही का सामना करना पड़ेगा और ऐसी तबाही का असर हमें 1000 साल तक महसूस होगा। और अब हमारे पास एक ही विकल्प था, इस आपदा को किसी तरह होने से रोकना और एपेप को धरती पर आने से पहले तबाह करना। ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ जब हम किसी कुदरत से होने वाले हादसे को रोक पाए। हम एक रिस्पांस टीम का गठन करके एक योजना बना सके ताकि हमारा अस्तित्व न मिट जाए। हम किसी अर्थक्वेक फॉल्ट को चिपका के बंद नहीं कर सकते, ना ही हम किसी ज्वालामुखी का मुंह बंद कर सकते हैं, पर किसी एस्ट्रॉइड को टकराने से बचाने के लिए या फिर इससे बचने के लिए हम कोई प्लान जरूर बना सकते हैं। इस एस्ट्रॉइड को तबाह करना धरती के लिए और खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इसके मलबे धरती पर ही आग के गोले की तरह बरसते, और इसलिए वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने का प्लान बनाया। 1800 फीट चौड़ाई वाला कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और हमारे लिए ये बेहद जरूरी था कि हम इसे किसी दूसरी दिशा में मोड़ दें। पर ये होता कैसे? काफी गहन मंथन के बाद वैज्ञानिकों को इसको लेकर एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही एक सुराख मिला। कई बार अंतरिक्ष में घूमने वाले टुकड़े एस्ट्रॉइड का रास्ता बदल देते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने भी यह अनुमान लगाया कि एक भीषण टक्कर एपेप का भी रास्ता बदल सकती थी। हम एपेप को डिफ्लेक्ट करके इसकी दिशा बदल सकते थे ताकि ये पृथ्वी से टकराने से बच जाए। और ये करना फिल्मों में दिखाए गए सीन्स जितना आसान बिल्कुल भी नहीं था। और चूंकि एपेप का पता 7 साल पहले ही लगाया जा चुका था, इसलिए वैज्ञानिकों को एक एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्टर बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, और इसका नाम था डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट। इसके परीक्षण के लिए साल 2021 में इसे एक एस्ट्रॉइड डिडिमोस के पास भी भेजा गया, जो कि वैसे तो धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर इसके साथ टक्कर से डार्ट की टेस्टिंग पूरी की जा सकती थी। नवंबर 2025 डाफे मिशन के लॉन्च से हमने एपेप की कक्षा को डिफ्लेक्ट कर दिया। जब आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने में सफल होते हैं जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर किसी एस्टेरॉयड को सटीकता के साथ हिट करे, तो इससे बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है। यह ऐसा है मानो एक बुलेट को दूसरे साइड से एक बुलेट द्वारा ही हिट करने का प्रयास किया जाए। नवंबर 2028 अंतरिक्ष में तकरीबन 3 साल सफर के बाद डाफे एपेप तक पहुँच ही गया। हमारे लिए यह न सिर्फ आखिरी बल्कि एक लौता मौका भी था। डाफे का काइनेटिक इंपैक्टर एपेप से 14,400 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गया और इस टक्कर को धरती पर मौजूद रेडार और टेलीस्कोप्स ने दर्ज किया। क्या बात बनी, क्या हम एस्ट्रॉइड की दिशा को बदल पाए? पहली नजर में तो ऐसा लगा मानो ये मिशन कामयाब हो गया और हमने एपेप को धरती से दूर कर दिया। पर पिक्चर में अभी ट्विस्ट आना बाकी था। भले ही वैज्ञानिकों ने एपेप को दूर कर दिया था, पर इस टक्कर में उसका 300 फीट बड़ा टुकड़ा टूटकर अब धरती की ओर बढ़ चला था और वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया एपेप 2.0। 300 फीट चौड़ा चट्टान का टुकड़ा भी काफी बड़ा होता है, और अब हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या इसकी टक्कर पृथ्वी से होगी। अगर हाँ तो पृथ्वी के किस हिस्से से? इसका जवाब हमें मार्च 2029 में मिला। ये आज से 8 महीने बाद अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से टकराने को तैयार था, और इसकी चपेट में न्यूयॉर्क शहर भी दूसरे नंबर पर था। तो 300 फीट का एक एस्टेरॉयड अब न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ रहा था, और ये एक बेहद खतरनाक सिचुएशन थी। वैज्ञानिकों के पास समय बेहद कम था और उन्हें किसी तरह धरती की तरफ बढ़ रहे ये फुटबॉल के मैदान जितने विशाल एस्ट्रॉइड को तबाह करने का तरीका ढूंढना था। तभी उनके दिमाग में न्यूक्लियर अटैक का आइडिया आया। दरअसल ऐसा कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जा चुका था, पर अफसोस ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ घटना थी, और यहाँ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इतना आसान नहीं होने वाला था।
अगर हम इसे न्यूक्लियर वेपन से उड़ा भी दें, तो इससे एक बड़ी समस्या तो टल जाएगी, पर कई छोटी छोटी समस्या इसके रेडियोएक्टिव होने के वजह से उत्पन्न हो जाएगी। हमें दुनिया के 99 सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन चाहिए थे, जिन्हें एक साथ लॉन्च करना जरूरी होता, और साथ ही ये साथ टकराने भी चाहिए थे, जो कि हमारे तकनीकी क्षमताओं से परे थी। पर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा विवादास्पद कदम था। न्यूक्लियर वेपन्स उन सबसे शक्तिशाली डिवाइसेस में से एक है जिन्हें हम इंसानों ने ईजाद किया है, और ये बेहद खतरनाक है। ये हमारे टूल बॉक्स में मौजूद सबसे खतरनाक टूल है। ये एक तरह से टूल बॉक्स में रहने वाले दमदार हथौड़े जैसी चीज है, पर इसके साथ कई चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी इन्हें अंतरिक्ष में टेस्ट करने की अनुमति नहीं देता था। और अब न्यूयॉर्क शहर के पास एक ही विकल्प मौजूद था, धरती का वायुमंडल। दरअसल साल 2013 चेलियाबिंस्क रशिया में ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड धरती के वायुमंडल में एंटर हुआ था। ये 60 फुट चौड़ा था और चेलियाबिंस्क से टकराने वाला था, और पृथ्वी के वायुमंडल ने इसे अपने दम पर आसमान में ही धमाके में तब्दील कर दिया। ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचा, और चेलियाबिंस्क के लोग खुशकिस्मत थे कि इसकी पृथ्वी के साथ टक्कर नहीं हुई। पृथ्वी का वायुमंडल को आप हल्के में लेते होंगे। आपको लगता होगा कि ये तो बस हवा है और ये एक एस्ट्रॉइड पर क्या ही असर डालेगा, पर ऐसा नहीं है। इन हवाओं में मौजूद मॉलिक्यूल्स ही एस्ट्रॉइड के अगले हिस्से पर प्रेशर डालते हैं, इनकी स्पीड घट जाती है, और साथ ही फ्रिक्शन के वजह से यह गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसी गर्मी की वजह से यह अंत में विस्फोट हो जाता है, जो कि चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड के साथ भी हुआ। इस विस्फोट से निकला शॉकवेव इतना खतरनाक था कि इसने वहां के 7,000 बिल्डिंग को तबाह कर दिया, और इसमें तकरीबन 1500 लोग घायल हुए। पर ये परिणाम इसके डायरेक्ट टक्कर से होने वाले विनाशकारी परिणाम से काफी बेहतर था। लेकिन एपेक 2.0 चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड से 5 गुना ज्यादा विशाल था, और इसे वायुमंडल को पार करने में मात्र 10 सेकंड का ही वक्त लगता, और इसलिए इसके पॉसिबल इंपैक्ट को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से एक अलग सिमुलेशन तैयार किया। इसके पृथ्वी में दाखिल होते वक्त इसके दरारों में कुछ गर्म हवाएं दाखिल हो सकती हैं। हमें यह जलती सुलगती चट्टान हमारे वायुमंडल से गुजरती हुई नजर आएगी। इसके मलबे के टुकड़े होंगे जो वेपराइज होंगे और इससे अलग हो जाएंगे, और आपको लाइट के कई फ्लैशेस एक शीशे से चमकते हुए नजर आएंगे, मानो किसी ने आसमान में पटाखे जल दिए हो। और सिमुलेशन में पता चला कि भले ही इसके कुछ हिस्से टूट जाएंगे, पर इसका एक बड़ा हिस्सा धरती की सतह से टकराएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमें टक्कर से बचने और इसे सहने के लिए तैयार रहना होगा, और ये बेहद रिस्की था। अक्टूबर 2029, टक्कर से 3 हफ्ते पूर्व, अब न्यूयॉर्क के लोगों के पास एक ही विकल्प था, इस पूरे जगह को खाली करना और एक ऐसी जगह पर जाना जहां इसका दुष्प्रभाव उन पर ना हो। अब हमें लोगों को यहां से इवैक्यूएट करने का कोई फुल प्रूफ प्लान बनाना था। ये पूरे न्यूयॉर्क के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, और उनके लिए अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने का समय आ चुका था। न्यूयॉर्क के कितने किलोमीटर तक इसका बुरा असर होता, इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्शंस बनाए। यहां एक एलिप्स है जिसे हम हैजर्ड एलिप्स कहते हैं, और एस्टेरॉयड इसी इलाके में कहीं हिट करेगा, साथ ही इसके आसपास के एरियाज में भी कुछ दूर तक इसका खतरा माना जा सकता है। और फिर इस पूरे सदी का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन शुरू हुआ। लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही डरावना था। चारों तरफ इसको लेकर हाहाकार मचा था। मात्र कुछ दिनों के अंदर ही न्यूयॉर्क और इसके आसपास के सभी इलाकों से तकरीबन 2,30,00,000 लोग पलायन कर गए, और अब बारी थी शो टाइम की। इससे 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाला क्रेटर बनेगा, और ये इतना खतरनाक होगा कि पूरा सब्वे अंदर से बाहर क्रेटर की रिंग तक आ पहुंचेगा। ऊपर से इस जगह से दूर भी 5 की तीव्रता वाला भूकंप आएगा, और 640 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस तरह के शॉकवेव के दौरान पेंसिल जैसी छोटी चीज भी एक जानलेवा हथियार बन सकती है। पूरा शहर आग के हवाले हो जाएगा।
तो यह हादसा किसी भी दृष्टिकोण से भला साबित नहीं होगा। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पर यहाँ पर एक संभावना ये भी थी कि अगर एपेप 2.0 न्यूयॉर्क के समुद्र से टकराया तो फिर क्या होगा? इसका जवाब केपीजी इंपैक्ट को स्टडी करके दिखाया जा सकता है। पृथ्वी पर 6,60,00,000 साल पहले एक ग्लोबल इंपैक्ट हुआ था, जब 10 किलोमीटर चौड़ी एक चट्टान की टक्कर गल्फ ऑफ मेक्सिको में युकाटान पेनिनसुला से हुआ। इससे एक भयानक गुब्बार उठा और इसने पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर को खत्म कर दिया। इसने पालक झपकते डायनासोर्स की दुनिया बदल दी। ये सारा मलबा पहले हवा में उछला और फिर धरती पर आग के गोले और राख के रूप में बरसने लगा और दुनिया में तकरीबन 70% जीवों का अंत हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर की एक चट्टान ने धरती पर जीवन का अंत कर दिया। पर हमारी खुशकिस्मती है कि एपेप 2.0 डायनासोर युग वाले चट्टान से तकरीबन 100 गुना छोटा है। लेकिन एक बुरी खबर अभी भी हमारे साथ है कि ये न्यूयॉर्क सिटी से टकराने वाला है। सिमुलेशंस ने समुद्र के साथ टक्कर के दो परिणाम दुनिया के सामने रखे हैं। अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड समंदर से टकराया तो फिर इसकी 1% से कम एनर्जी लहरों के शक्ल में बदलेगी और इसलिए ये ज्यादा मजबूत नहीं होंगी और किनारे पहुंचते पहुंचते शांत हो जाएंगी। अगर यह चट्टान पानी से टकराती है तो इस इंपैक्टर के एनर्जी से बहुत सारी भाप पैदा होगी और सारा पानी वेपराइज हो जाएगा। पानी के एटमॉस्फेयर में जाने से गर्मी पैदा होगी तथा राख और धूल से ठंडक जन्म लेगी। पर इसके बाद यहाँ भयानक ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी और धरती पर एक बार फिर कोल्ड इरा का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। चार नवंबर 2029, फाइनली वो कयामत का दिन आ ही चुका है और एपेप 2.0 धरती तक पहुंच चुका है। ये हमारे वायुमंडल को छेदते हुए अंदर प्रवेश करता है और कुछ ही देर में ये मैनहट्टन के ऊपर से गुजरता है। इसके बाद ये ब्रुकलिन को भी पार करता है और इसके साथ ये कोनी आइलैंड को भी पार आगे बढ़ जाता है। कोस्ट से तकरीबन 550 मीटर दूर जाने के बाद इसकी टक्कर गहरे समुद्र से हुई, यानी कि इसकी टक्कर न्यूयॉर्क से नहीं हुई और इसने सारे शहर को भी मिस कर दिया। लेकिन कैसे? एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट, पृथ्वी की ऑर्बिट और जिस तरह ग्रेट कॉस्मिक बेल्ट में पृथ्वी घूमती है उससे कुछ सेकंड्स पहले या बाद का जो फर्क होता है वही चट्टान के सागर या जमीन से टकराने का फर्क तय करता है। पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुद का चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर इसकी गति 1,04,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और एपेप 2.0 की रफ्तार इससे धीमी थी और यही वजह है कि ये जमीन से ना टकराकर समुद्र में जा गिरा, जहां इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इससे उठने वाली वेव्स भी कुछ ही देर में शांत हो गई। और इस प्रकार न्यूयॉर्क एक बड़ी विपदा से बच गया, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं साइंटिस्ट्स और उनकी टीम को जाता है, जिनके मिशन ने एपेप को डाइवर्ट किया और एपेप 2.0 की स्पीड इस वजह से इसके पेरेंट एस्ट्रॉइड से काफी कम हो गई। शुक्र है कि ये एक काल्पनिक घटना थी, पर ये टिकी थी हमारे एस्ट्रॉइड के असल जानकारी पर। एस्ट्रॉइड रिसर्च हमारे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी कही जा सकती है और हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज हमें कभी वाकई में करने की जरूरत न पड़े। प्लैनेटरी डिफेंस के मामले में सबसे अहम बात होती है उनका सही समय पर पता लगा लेना, और इसके बारे पहले पता लगा ले तो इसे रोका जा सकता है या फिर इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर हम बड़े एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो ऐसे रॉक्स की संख्या 940 के आसपास होगी, जिसका मतलब है कि हम ऐसे एस्ट्रॉइड्स में 96% एस्ट्रॉइड्स का पता लगा चुके हैं। तो बड़े एस्ट्रॉइड्स के मामले में हमने काफी अच्छा किया है। पर कुछ एस्ट्रॉइड्स इतने छोटे होते हैं कि उनको स्टडी कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसके लिए वैज्ञानिक नियो सर्वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नियो सर्वेयर एक इंफ्रारेड कैमरा है जो कि कैसी भी परिस्थिति में ऐसे एस्ट्रॉइड्स को खोजने में कामयाब होते हैं। इसकी माध्यम से वैज्ञानिक फौरन किसी भी एस्ट्रॉइड का पता लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के सुधार के साथ अब हम ज्यादा सुरक्षित हैं, पर फिर भी हमें एस्ट्रॉइड के खतरे पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है।
मेरे मायने में एस्टेरॉयड स्ट्राइक धरती पर आने वालों खतरों में सबसे ऊपर है। मेरे से कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसे होने की संभावना कितनी है, और उन्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ, 100%। इसमें टाइम लगता है, इसमें हफ्ता महीना या कभी कभी साल भी लगता है, पर ऐसी स्टडीज से ही हम पता कर पाते हैं कि आखिर हम इसके टक्कर को कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कई प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, पर ये चीज इन सब में सबसे खतरनाक है और हम इसे रोक सकते हैं। बस इसके लिए हमें ऐसी चट्टानों पर भी नजर रखनी है और आसमान पर भी।